मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज मैथ्स क्लास सिक्स चैप्टर फोर बेसिक ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स रिव्यू एक्सरसाइजेज। आंसर इन वन वर्ड और अ लाइन। आज हम लोग वन वर्ड आंसर और लेट्स एवेल्युएट करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल का क्वाड्रेंट क्या होता है एंड हाउ मैनी क्वाड्रेंट्स आर देयर इन अ सर्कल। क्वाड्रेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इंटू फोर इक्वल पार्ट्स देन ईच सेक्टर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट एंड देयर आर फोर क्वाड्रेंट्स इन अ सर्कल। क्वाड्रेंट मीन्स होता है स्टूडेंट्स वन फोर्थ। तो देखिए, एक अगर सर्कल है, सर्कल को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो एक डायमीटर ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स, दूसरा डायगोनल डायमीटर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो फोर इक्वल पार्ट्स में सर्कल डिवाइड हो गया एंड ईच पार्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? ये क्वाड्रेंट कहलाता है, वन फोर्थ कहलाता है। ये वन बाई फोर है, ये भी वन बाई फोर है, ये भी वन बाई फोर है, ये भी वन बाई फोर है, ये क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट मीन्स वन फोर्थ, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट क्या हुआ स्टूडेंट्स? सेक्टर हुआ, ठीक है। तो देर आर फोर सेक्टर्स इन अ देर आर फोर क्वाड्रेंट्स इन अ सर्कल। ये 90 डिग्रीज का एंगल है इस सेक्टर का, तो फोर क्वाड्रेंट्स होगा। वन बाई फोर, वन बाई फोर, वन बाई फोर, वन बाई फोर, चार बार ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट होल बनेगा, वन होल बनेगा। क्वेश्चन नंबर टू, आर ऑल सिंपल कर्व्स ओपन। क्या सभी सिंपल कर्व्स ओपन होते हैं? नो, सिंपल कर्व्स क्लोज भी होते हैं। जैसे सर्कल क्या है? ये सिंपल कर्व है, ये क्लोज्ड कर्व है। कोई सिंपल कर्व्स ओपन भी होते हैं, कोई क्लोज भी होते हैं। तो आंसर इज नो। थर्ड, व्हाट इज अ पॉलीगन? नेम एनी थ्री पॉलीगन्स हैविंग फोर साइड्स। तो पॉलीगन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज फिगर एंटायरली मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस से बना हुआ सिंपल क्लोज्ड कर्व जो है पॉलीगन कहलाता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स क्या होता है पॉलीगन में स्टूडेंट्स? ट्राइंगल होता है। यहाँ थ्री पॉलीगन्स हैविंग फोर साइड्स आर, फोर साइड्स वाला पॉलीगन का नाम लिखना है। तो रेक्टेंगल क्या है? फोर साइडेड पॉलीगन है स्टूडेंट्स। स्क्वायर क्या है? फोर साइडेड पॉलीगन है। पैरेललोग्राम क्या है? फोर साइडेड पॉलीगन है। ट्रेपेजियम भी फोर साइडेड पॉलीगन है। काइट भी फोर साइडेड पॉलीगन है। तो आपको कोई भी थ्री लिख सकते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, कैन थ्री पॉइंट्स ऑन अ सर्कल बी कोलिनियर। क्या सर्कल पर कोई भी थ्री पॉइंट्स कोलिनियर हो सकता है स्टूडेंट्स? ये सर्कल है, इस पर कोई भी तीन पॉइंट लेंगे तो एक कोलिनियर तो नहीं होगा। कोलिनियर मीन्स होता है इन अ लाइन, तो एक लाइन में तो नहीं हो सकता है। ये तीनों जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो आंसर इज नो। एंड क्वेश्चन नंबर फाइव इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लाइन सेगमेंट एंड अ रे। लाइन, लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? तो लाइन एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शंस इनडेफिनेटली। लाइन क्या होता है स्टूडेंट्स? दोनों डायरेक्शन में इसको एंडलेसली बढ़ा सकते हैं। अ लाइन सेगमेंट है डेफिनेट लेंथ, लेकिन लाइन सेगमेंट का क्या होता है स्टूडेंट्स? डेफिनेट लेंथ होता है, इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, इसका टू एंड पॉइंट्स होता है। और अ रे एक्सटेंड्स इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन एंडलेसली। रे केवल एक डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ा सकते हैं। तो ये तीनों में डिफरेंस हुआ स्टूडेंट्स, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे में। तो आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, लेट्स इवेल्युएट। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। सर्कल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उसका रेडियस आर दिया हुआ है। अब फाइंड करना है आपको लेंथ ऑफ द डायमीटर। तो लेंथ ऑफ डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? टू इंटू रेडियस, फॉर्मूला बताए थे, डायमीटर इज ट्वाइस इट्स रेडियस। तो टू इंटू रेडियस, और रेडियस क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? आर क्वेश्चन में। तो टू इंटू आर हो गया, टू इंटू आर मीन्स क्या हुआ? टू आर। तो लेंथ ऑफ डायमीटर क्या होगा स्टूडेंट्स? 2r। ये भी एक फॉर्मूला हो गया डायमीटर का, जैसे 2 इंटू रेडियस बोलते हैं वही 2r हुआ। 2r मतलब 2 इंटू रेडियस ही हुआ। क्वेश्चन नंबर बी, टू पार्ट्स इन विच द डायमीटर डिवाइड द सर्कल। अब डायमीटर सर्कल को कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड करता है? सर्कल है स्टूडेंट्स, ये डायमीटर है। तो डायमीटर क्या किया? सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। दोनों पार्ट्स क्या कहलाता है? सेमी सर्कल्स कहलाता है। ये इधर वाला पार्ट भी सेमी सर्कल है, इधर वाला पार्ट भी सेमी सर्कल है, तो ये सेमी सर्कल्स होगा। एंड सी द रीजन इनक्लोज बिटवीन टू रेडी एंड एन आर्क। अब किसी भी सर्कल में टू रेडी, एक रेडी ए ले लिए, दूसरा रेडी ए ले लिए। अब ये जो रीजन हुआ इनक्लोज हुआ स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। तो ये हो गया सेक्टर।
क्वेश्चन नंबर टू है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है स्टूडेंट्स? ये देखिए, इफ थ्री और मोर लाइंस पास थ्रू द सेम पॉइंट देन द लाइंस आर कंकरेंट। कह रहा है कि थ्री और मोर लाइंस अगर सेम पॉइंट से पास करता है तो कंकरेंट होता है, तो ट्रू है स्टूडेंट्स, इसको ट्रू लिख देंगे, टी आर यू ई। ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पैरेलल टू अ गिवन लाइन, ये भी ट्रू है स्टूडेंट्स। किसी भी पॉइंट से एक गिवन लाइन के पैरेलल केवल एक और एक ही लाइन, ये पॉइंट है। अब एक लाइन दिया हुआ स्टूडेंट, तो इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से केवल एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये ट्रू हो गया। द रेडी ऑफ ऑल कंसेंट्रिक सर्कल्स आर इक्वल, ये फॉल्स है स्टूडेंट्स, क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल्स का डिफरेंट रेडी होता है, ये फॉल्स हो गया। जैसे एक ही सेंटर से जो सर्कल खींचते हैं उसको कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं, तो सब कंसेंट्रिक सर्कल्स का रेडी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे इसका रेडियस और इस सर्कल का रेडियस अलग अलग है, डिफरेंट रेडियस होगा। अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स, ट्राइंगल क्या है, पॉलीगन है फोर साइड्स का, ये फॉल्स है स्टूडेंट। ट्राइंगल इज अ पॉलीगन ऑफ थ्री साइड्स, दिस इज फॉल्स। अ सिंपल कर्व कैन बी आइदर ओपन और क्लोज्ड, सिंपल कर्व क्या होता है, या तो ओपन होता है या क्लोज होता है, ये ट्रू है। टू लाइन्स इन अ प्लेन आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट, ये भी ट्रू है स्टूडेंट्स। टू लाइन्स अगर इंटरसेक्ट नहीं करता है तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो पैरेलल लाइन्स कहलाता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स रिमेन्स सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन द गिवन फिगर अ सर्कुलर रीजन इज डिवाइडेड इंटू सिक्स इक्वल पार्ट्स, ये फिगर है, इसमें सर्कुलर रीजन को सिक्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये सिक्स पार्ट्स क्या है स्टूडेंट्स, सिक्स सेक्टर है स्टूडेंट्स, क्योंकि हर पार्ट जो है टू रेडी और एक आर्क से इंक्लूड है, ये सेक्टर है। क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल सर्कल इज द सेक्टर ई ओ डी, यहाँ पर ई ओ डी ये सेक्टर है स्टूडेंट्स, ये पूरा सर्कल का कितना पार्ट है, तो ये सिक्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, वन बाई सिक्स है, वन आउट ऑफ सिक्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वन बाई सिक्स। अब क्वेश्चन नंबर बी है, हाउ मेनी टाइम्स एंगल ए ओ डी इज ऑफ एंगल ई ओ डी। अब एंगल ए ओ डी क्या है स्टूडेंट, ए ओ डी ए एंगल है, स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट्स, मतलब ये डायमीटर है, तो वन टू थ्री ए सेक्टर का कितना टाइम है, थ्री टाइम्स है, ये 180 डिग्री का एंगल है, और ये सेक्टर का एंगल कितना है, ई ओ डी का एंगल कितना है, 60 डिग्री है, क्योंकि सिक्स पार्ट्स में डिवाइड किया, एंगल पूरा सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिवाइडेड बाय सिक्स कितना होता है, 60 डिग्री होता है, तो एक सेक्टर का एंगल इसमें 60 डिग्री हुआ, इसमें थ्री सेक्टर इंक्लूडेड है, मतलब 60 60 60, तो कितना डिग्री हो गया स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। ऐसे भी स्ट्रेट लाइन ये दिख रहा है, ये डायमीटर ए डी स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 डिग्री का एंगल है, तो कितना टाइम्स हो गया स्टूडेंट्स, थ्री टाइम्स, इसका आंसर हो गया आपका थ्री टाइम्स। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, जिसमें कि थिंकिंग स्किल के बारे में डिस्कस करेंगे और सम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर यह वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।